कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नदौन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन भरने पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इंद्रपाल चौक से एसडीएम कार्यालय नदौन तक रैली निकाली और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए नामांकन स्थल तक गए। कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसडीएम नदौन अमित मेहरा को नामांकन सौंपा। इस दौरान उन्होंने रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि आज उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सुक्खू ने इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर और स्थानीय विधायक विजय अग्निहोत्री को आड़े हाथों लिया। सुक्खू ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने नदौन में विकास कार्यों को रोका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज दिया है, लेकिन भाजपा ने अड़ंगे ही लगाए हैं। हमीरपुर जिला में 10 साल हमारे मुख्यमंत्री रहे धूमल साहब, अनुराग ठाकुर जी 15 साल से एमपी है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमपी चुनकर आ रहा है। हमने पहला मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जिले को दिया। मैं विधायक नहीं हूँ और उस मेडिकल कॉलेज को रुकवाने का अगर किसी ने कार्य किया है, फॉरेस्ट का ऑब्जेक्शन लगवा के, और हमारे लोकल एमएलए विजय अग्निहोत्री जी ने किया। मेरा ये मानना है कि जो एमएलए होता है उसे जो कार्य जनता के हित के होते हैं उनको रुकवाना नहीं चाहिए। उसमें फॉरेस्ट का ऑब्जेक्शन लगवा कर वो काम रुकवाने की जो षड्यंत्र करते हैं उनकी मानसिकता का परिचय देता है। हाँ, डेफिनेटली 2014 में नोटिफिकेशन हुई थी, 189 करोड़ उसके लिए सैंक्शन करवाया था। गुलाम नबी आजाद जी उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे। मैंने किस तरह वो मेडिकल कॉलेज करवाया, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉरवर्ड था, दो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्लान बने थे। पूरे हिंदुस्तान में 56 मेडिकल कॉलेज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए बने थे, लेकिन मेरे को उन्होंने रात को फ़ोन करके कहा था, गुलाम नबी आजाद जी ने, कि मैंने यूनियन कैबिनेट से हमीरपुर जिला के लिए पहला मेडिकल कॉलेज दिया और अगले साल से उसमें 100 MBBS की क्लासेस स्टार्ट होगी और जो MBBS की क्लासेस के साथ एक बड़ा हॉस्पिटल जोलसप्पड़ में बनेगा। नहीं, स्टिल वर्क इज गोइंग ऑन और 120 करोड हैज बीन ऑलरेडी सैंक्शनड, तो 136 से इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 136 टू 170 करोड। अनदर मेजर प्रोडक्ट स्पाइस पार्क। स्पाइस पार्क का नंद शर्मा जी ने आपके सामने भाषण में बोल दिया है कि वो रुकवाया जा रहा है, क्योंकि वो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से बनना है और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया से बनने के बाद आनंद शर्मा जी के शिलान्यास करने के बाद हमारे जो बड़ा धनपुर इस इलाके के लोग हैं उनके रोजगार पर लात मारी जा रही है। इस बारे में वो संसद में भी बात उठाएंगे। देखिए, पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास बनने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है और सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार हमारी 36 सीटें आई है, इस बार का इंटरनल सर्वे हमारा जो था पार्टी का था उसमें हमारी सर्वे से 42 से 46 सीटों के तक आने की संभावना है। मैं आपके दावे के साथ कर सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। उठाएंगे, देखिए, हमारे लिए तो हमारा कार्यकर्ता स्टार कंपेनर होता है जो हमारे बूथ पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, और जो कभी कई बार ऐसे हमें कंपेनर की जरूरत पड़ती है कि जहाँ लोग उनको पसंद करते, तो इस प्रकार के स्टार कंपेनर्स की लिस्ट बनी है और जल्दी ही राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी हिमाचल प्रदेश का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नामांकन पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार ने 3.5 सालों में केवल जुमले ही दिए हैं और विकास कागजों में ही करवाया है। जुमलों से नहीं होता, लोगों को झूठे सपने दिखाकर नहीं होता, झूठे वायदे दिखाकर नहीं होता। 3.5 साल पहले देश में चुनाव हुआ था, हिंदुस्तान की हुकूमत बनती, सरकार बनती, नरेंद्र मोदी और बीजेपी दिल्ली में सरकार में आए, सत्ता में आए, एक ऐसी सुनामी, एक ऐसा तूफान उम्मीदों का था, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबका साथ और सबका विकास नारा क्या था, अच्छे दिन। 1 साल में 2 करोड़ रोजगार आप सबके खाते में, काला धन दुनिया से निकाल कर लाऊंगा, 15 लाख रुपया जमा करा जाऊंगा। तो पूछो कि कहां आया किसी के खाते में, किसी को है ऐसा मिला भाई 15 लाख? 15 लाख नरेंद्र मोदी अमित शाह ने
अनंत शर्मा ने बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर भड़ास निकालते हुए कहा कि आज कहां है बीजेपी के पीएम मोदी अमित शाह, जिन्होंने देश की जनता को झूठ के बलबूते पर वोट ऐंठे हैं और आज जनता से छल करने पर तुले हुए हैं।